जनरल का जो डिब्बा थे उसमें 2500 टोटल पर्ची थी, तो उसमें 63 जनरल की उठनी थी, तो 63 में से सिर्फ 5 उठी जनरल की, बाकी ये अलग कैटेगरी की उठ गई सारी की। हमारा मतलब ये है कि 63 सीटों में 5 ही क्यों निकली? कुछ सुनवाई नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमने हार झक्के पब्लिक ना, हमने 2-4 कॉल करे पुलिस को, पुलिस भी आई, 10-15 मिनट बाद पुलिस आई, लेकिन पुलिस को भी उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। हम तो ऑनलाइन देख रहे थे, सही तरीके से ही चल रहा है। हमारे 3 बच्चे में एक बच्चे हमारे दोस्त के बच्चे का नाम आया है, लेकिन हमारे बच्चे का नहीं आया। दोस्तों मैं अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हूँ। आज यहाँ पे नर्सरी की लॉटरी निकलनी थी। जामिया के बारे में आप सब लोगों को मालूम है, यहाँ जो स्कूल अलग अलग हैं उसमें कई क्लासों में दाखिले होते हैं। नर्सरी में होते हैं, प्रेप में होते हैं, फर्स्ट में होते हैं, 6th में, 9th में, 11th में। प्रेप, नर्सरी और फर्स्ट, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता, लॉटरी निकलती है। बहुत सालों से ऐसा हो रहा है। जो लोग अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे सामने भी लॉटरी देख सकते हैं, उनके गार्जियन के सामने वो लॉटरी निकलती है, और ऑनलाइन भी जो लोग देखना चाहें उस लॉटरी को निकालते हुए देख सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पे कुछ हंगामा हो गया है। नर्सरी की जो लॉटरी निकलनी थी उसमें गार्जियन लोग कह रहे हैं कि यहाँ कुछ बेईमानी हो गई है। हालांकि जामिया का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, अभी मेरी उससे बात नहीं हुई है, उनकी क्या राय है इस सिलसिले में, मैं उनकी राय भी जानने की कोशिश करूंगा, वो भी कुछ बोलना चाहें तो मुझे बताएं। फिलहाल गार्जियन ने जो मुझे फ़ोन किया है वो ये कह रहे हैं कि इसमें बेईमानी हुई है, और बेईमानी के तहत कुछ लोगों का नाम निकाला गया, कुछ लोगों का नाम नहीं निकाला गया। जनाब मुझे ये बताइए क्या शक हो रहा है आपको? ये हर कैटेगरी के डिब्बे जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं, जैसे कि इसमें मुस्लिम हुआ, मुस्लिम हो गया, और ये मुस्लिम वुमेन हो गया, और जनरल अलग अलग हो गया। तो जनरल का जो डिब्बे थे उसमें 2500 टोटल पर्ची थी, तो उसमें 63 जनरल की उठनी थी, तो 63 में से सिर्फ 5 उठी जनरल की, बाकी ये अलग कैटेगरी की उठ गई सारी की सारी। सिर्फ 5 ही निकाला उन्होंने? जनरल की सिर्फ 5 ही उठी हैं। तो हमारे को इसी चीज़ पर शक है, मतलब बेईमानी हुई है इसमें पूरी पूरी। तो आपने कहा ऐसा पूरा क्यों नहीं खोल रहे आप लोग? हमें अंदर जाने नहीं दे रहा कोई, हमें अंदर जाने नहीं दे रहा। अंदर क्यों जाने दे रहा? आमतौर पर जब भी यहाँ लॉटरी निकलती है गेट में खड़े, एक मिनट, आमतौर पर जब भी यहाँ लॉटरी निकलती है, मैं पहले भी आता रहा हूँ इसमें, जो लोग अप्लाई किए हुए सब रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, गार्जियन भी रहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं आपको अंदर जाने दिया जा रहा है? अंदर कोई नहीं जाने दे रहा, गार्ड आए तो पुलिस वालों को भी हमने कॉल करके बुलाया, 5 बार पुलिस वालों को कॉल करी, तो 2 पुलिस वाले आए, 3, फिर 3 पुलिस वाले हो गए, पुलिस वालों को भी आधा घंटा गेट पे खड़ा रहने के बाद भी अंदर नहीं जाने दिया। आप लोगों ने पुलिस बुला ली? पुलिस भी बुलाई थी हमने, लेकिन पुलिस वालों को अंदर नहीं जाने दिया। पुलिस आपने क्यों बुलाया? आपको अंदर नहीं जाने दे रहा इसलिए या बेईमानी हो रही? इसलिए बेईमानी हो रही थी और हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। उसके बाद जब हमने उनसे पूछा तो हमें सही से जवाब नहीं दे रहा था। हमने कोई अपना अंदर से बंदा, प्रिंसिपल वगैरह, कोई जो मैन बंदा उसे बुलाओ, वो कुछ सुनवाई नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमने हार झक्के पब्लिक ना, हमने 2-4 कॉल करे पुलिस को, पुलिस भी आई, 10-15 मिनट बाद पुलिस आई, लेकिन पुलिस को भी उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, भारी रोक के रखा आधा पौन घंटे कम से कम। फिर 1 घंटे बाद अंदर से 3-4 लेडीज आई, प्रिंसिपल वगैरह जो भी होगी, तो उन्होंने कोई सेटिस्फाइड नहीं करा, बस उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन लिख दो, अगर आपको डाउट है आप एप्लीकेशन लिख दो, इस पर तहकीकात करेंगे। कब करोगे, हमें कैसे पता चलेगा तहकीकात क्या हुई है? मुझे ये बताइए, आपका भी कोई बच्चा है इसमें? जी मेरा बच्चा। मुझे ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि जामिया अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रहा है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रही बात? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं कर रहा जामिया, बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए कि ये जाहिर सी बात है लकी ड्रॉ है, लकी ड्रॉ में ये होता है कि भाई कोई भी आ सकता है। अगर हिंदू अप्लाई कर रहा है, हिंदू मुसलमान तो कुछ इसमें होता ही नहीं, पहली बात। नहीं नहीं, वो जितना सुन लीजिए, हिंदू मुसलमान इसमें नहीं होता कभी भी जामिया में। यहाँ हिंदू बच्चे बहुत पढ़ते हैं, रुक जाइए, हिंदू बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इसमें बेईमानी कभी नहीं होती। हिंदू मुसलमान लेकर बेईमानी यहाँ कभी नहीं होती। जो कैटेगरी उन्होंने बना रखी है उस हिसाब से लॉटरी होती है, लॉटरी वो सबके सामने करते हैं। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, अरे मेरी सुन लो पहले। उन्होंने आपके सामने हिंदू मुस्लिम की बानी की आप शिकायत कर रहे हैं या जनरल में बेईमानी की है? कुछ लॉटरी में भी बेईमानी है, सारे वही है कि जो हमने भरा है। मान लीजिए कि कुछ हमारा पोता है, हमने कई बार भर रहे हैं, कई बार से भरा था। मेरा नाम सुनीता है, मेरी बहन का भी एक बार बड़ी मुश्किल से नाम आया था एक ही पिछले साल में, उनकी पोती का। मगर हमारी, मैं हिंदू हूँ और जो यहीं जामिया स्टाफ हूँ, तो मेरे पोते तो वैसे ही हो जाता है, नहीं हुआ मेरे पोते का। ये इल्जाम आपका गलत है, हिंदू मुसलमान के नाम पे यहाँ एडमिशन कभी नहीं होता। नहीं, ये इल्जाम आपका सही नहीं, हिंदू मुसलमान के नाम पे जामिया बेईमानी कभी नहीं होती। सबके साथ हुई, ये कही आपके सबके साथ हुई है, बिल्कुल हिंदू मुसलमान के साथ कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। सबके साथ हुआ, बिल्कुल किसी बच्चे का नाम नहीं। हाँ बिल्कुल सबके साथ हुआ, हिंदू मुसलमान क्यों लग रहा है यहाँ पे बेईमानी हुई है भाई? ऐसा लग रहा है मुझे, देखो 3 साल से तो मैं अप्लाई डाल रही हूँ, तो हर बार यही होता है कि बच्चा आया नहीं है। और जो बच्चे आते हैं ना, उनको फ़ोन करके करा जाता है स्पेशली तौर पे, और जिनको फ़ोन करके स्पेशली तौर पे यहाँ बुलाया गया, कुल 35 से 40 लोग थे।
उनका गार्ड बाहर रजिस्टर लिए बैठा, भाई ये लोग अंदर जाएंगे। वो लोग के माता पिता के चेहरों में वाकई में मुस्कुराहट थी कि मेरा बच्चा आ गया। और जब पहले से मुस्कुराहट थी, नहीं ऐसा है ना, जब वो अंदर गए ना तो वहाँ ये हुआ कि लकी ड्रॉ चुना जाएगा, तो उन्हीं पेरेंट्स ने लकी ड्रॉ बच्चे उठाए। जबकि 35-40 लोग अंदर वहाँ मौजूद थे, उसमें से एक का भी नहीं आया। आप अंदर गए थे? मैं नहीं गई थी। देखिए लॉटरी जो होता है ना वो तो हर किस्मत, लॉटरी किस्मत है किसकी हो नहीं हो। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, लॉटरी तो खैर दसियों साल से लोग अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। जिनका होना है वो उन्होंने पहली बार किया, उनका हो गया, ये तो किस्मत है। मुझे आप सिर्फ ये बताइए, मुझे आप सिर्फ ईमानदारी से ये बताइए कि क्या आप जानते हैं कि आपके सामने मान लीजिए 100 सीट थी, 100 पर्ची निकली कि नहीं निकली? 100 पर्ची का मतलब नहीं है, हमारा मतलब ये है कि 63 सीटों में 5 ही क्यों निकली। यानी आपके हिसाब से जनरल 63 था तो जनरल 63 निकालना चाहिए। इसमें घपला हुआ है और हमारी पब्लिक की यही मशवरा है कि इसको फिर से ओपन करा जाए। गलत है। अच्छा आप लोग चाहते हो दोबारा? हम लोग चाहते हैं इसको दोबारा से हो, हम लोग दोबारा से चाहते हैं, दोबारा से चाहेंगे बस। अरे तीन बच्चे थे, एक तो हमारा ये बेटे का बड़ा था जी, और हमारे दोस्त के भी बेटे का। क्या आपको भी शक है कि उस बेवानी हुई है? नहीं, हम तो ऑनलाइन देख रहे थे, सही तरीके से ही चल रहा है। हमारे तीन बच्चे में एक बच्चे हमारे दोस्त के बच्चे का नाम आया है, लेकिन हमारे बच्चे का नहीं आया, तो जहाँ तक मुझे लगा कि सही चल रहा। नहीं, ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं कि 63 होना चाहिए, 63 में 5 ही निकाला, ज्यादा नहीं निकाला, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये लोग समझ नहीं पा रहे सही किया जाम? हमको नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा, हम ऑनलाइन कंटिन्यू देख रहे थे। देखिए असल एक चीज समझ लीजिए, आमतौर पे होता है कि जिनका नाम लॉटरी में नहीं आता वो फौरन इल्जाम लगा देते हैं बेईमानी का, होता है ऐसा, तकलीफ होती है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जब 63 नाम था, जनरल में 63 लोगों का नाम आना चाहिए, तो 5 ही के बाद आपने ये कैसे बंद कर दिया? सबको होना चाहिए। अब देखना यह है कि सिलसिले में जामिया एडमिनिस्ट्रेशन अपनी बात क्या रखता है। फिलहाल गार्जियन ये कह रहे हैं कि वो जो आज लॉटरी निकली है उससे सेटिस्फाई नहीं है।